नेटफ्लिक्स ये बात जानता है कि अगर वो अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाएंगे ना, देन दे आर डेफिनेटली गोइंग डाउन। लेकिन इस बात को बीट करते हुए आती है द ग्रे मैन। अब द ग्रे मैन आज रिलीज हुई है, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एना डी अरमास, हमारे रैन गॉसलिंग, क्रिस एवांस, धनुष और एंथनी जोरुसो कैमियो भी है, और इतना सब कुछ इस मूवी के अंदर जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपको मूवी देखनी चाहिए? इन वन वर्ड, फकिंग यस। ये बहुत ही मस्त मूवी है, और नेटफ्लिक्स वाले जो है ना अभी अपने ओरिजिनल कंटेंट पे इतने अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं कि ये मूवी सच में एक ऐसी मूवी है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, एंड आई रेकमेंड यू टू वॉच इट। और फुल रिव्यू के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। हे गाइस, मैं हूं सच निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर विलन की बात करें तो क्रिस एवंस एज लॉयड, अब मिक जो कैरेक्टर है ना बहुत पसंद आया। पहले तो हमने कभी भी क्रिस एवंस को एक फुल फ्लेज विलन के रोल में देखा नहीं है, मतलब जितने भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जितने भी लोग क्रिस एवंस को जानते हैं, द नो हिम बाय कैप्टन अमेरिका, एक ऐसा बंदा जो कि रूस को फॉलो करता है और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए अच्छी अच्छी चीजें करता है। लेकिन ये जो बंदा है लॉयड नाम का ना, जो ग्रे मैन में विलन है एक्चुअली में, प्लेड बाय क्रिस एवंस, इज टोटली अपोजिट कैरेक्टर। इसको घंटे का फर्क नहीं पड़ता है कि किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या क्या तरीके इसको अपनाने पड़े। बहुत ही मस्त कैरेक्टर है, और मुझे लग रहा था कि सच में क्रिस एवंस अगर विलन प्ले करेंगे तो बहुत ही मस्त होने वाला है, एंड आई वाज राइट, क्योंकि इसको देखने के बाद में आई एम डैम श्योर कि विलन आपको बहुत पसंद आएगा। बात करें अगर रैन गॉसलिंग की ना, तो रैन गॉसलिंग जो है बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही चीजें कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, और कुछ टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं जो कि सब कुछ कर सकते हैं, तो वो है रैन गॉसलिंग। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ, रैन गॉसलिंग हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी शायद नोवा प्ले करने वाले हैं, और इस मूवी के अंदर भी ही वॉज फैंटास्टिक, और शुरू से लेकर एंड तक आपकी आंखें रैन गॉसलिंग को देखते रहेंगी, पसंद आते रहेंगे आपको, और आपको लगेगा कि यार क्या मस्त मूवी बनाई है, और इतने बढ़िया तरीके से इस एक्टर को कास्ट किया गया है पूरा का पूरा। द ग्रे मैन की जो थीम है ना, कि ना ही वो व्हाइट है ना ही वो ब्लैक है, बीच में कहीं पे रह के वो काम करता है, दैट परफेक्टली सूट्स टू हिम, और मुझे लगता है कि रैन गॉसलिंग ने बहुत ही मस्त एक्टिंग की है। बात करें अगर साइड एक्टर्स की, जैसे कि एना डे अरमास, ऑब्वियसली शी इज परफेक्ट, और धनुष का रोल जो है वो आधी मूवी के बाद हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं मूवी का एंड आते आते आपको पता चल जाएगा कि जिस वे में उसने अपने कैरेक्टर की शुरुआत की थी ना, अब वो वे वो फॉलो नहीं करने वाला है, और एंड में हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो साइडलाइन हो चुका है। और रूसो ब्रदर्स कल इंडिया आए थे, उन्होंने बताया क्या कहा, उन्होंने बोला कि नेटफ्लिक्स के ऊपर धनुष की खुद की भी एक स्पिन अप मूवी आएगी जो कि द ग्रे मैन से इंस्पायर्ड होगी। तो हाँ, इस मूवी को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि धनुष का कैरेक्टर वाज फैंटास्टिक। मुझे पता है क्या अच्छी चीज लगी, मुझे अच्छी चीज लगी कि मोस्टली जो इंडियन एक्टर्स होते हैं ना, वो कभी भी एक्शन फेस्ड चीजें नहीं करते, लेकिन यहाँ पर धनुष ने इस चीज को तोड़ा, और मुझे उनको देखने में जो मजा आया ना, दैट इज जस्ट ग्रेट। तो मुझे धनुष का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। बात करें अगर मूवी की कुछ डिटेल्स की ना, तो मूवी में फुल ऑन एक्शन है, मतलब एक अच्छी एक्शन मूवी क्या होती है जिसमें धमाकेदार एक्शन आपको देखने को मिले, और द ग्रे मैन के अंदर आपको इतना सारा एक्शन देखने को मिलेगा कि आपको मजा आने वाला है। और खास बात, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी के अंदर, वो है ड्रोन शॉट्स। मूवी के अंदर कम से कम 10-15 ड्रोन शॉट हैं, एंड दे आर ऑल माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं एक तो डाल दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं इतने मस्त मस्त ड्रोन शॉट्स के अंदर लिए गए ना, एंड आई लाइक कि या यार एंथनी जोरुसो सच में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन शॉट्स हमने सबने देखे हैं, लेकिन उनको इस क्रिएटिव वे में यूज करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में बात करें इस मूवी के डायरेक्टर एंथनी एंड जो रूसो की, अब अगर जो रूसो की बात करें ना, आपको पता है जो रूसो ने जितनी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मूवी बनाई है ना, उन सब के अंदर कैमियो दिया है, जैसे विंटर सोल्जर में वो डॉक्टर बन रहे जिसको जीमो ने मार था, उसके बाद सिविल वॉर में हमने उनको देखा, उसके बाद हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम में उनको देखा, तो इस मूवी के अंदर भी उनका एक छोटा सा कैमियो है जो कि एंड में हमें देखने मिलता है, विच मेक्स इट या अ रूसो ब्रदर्स मूवी। बस मैं रूसो ब्रदर्स के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी वो एक मूवी बनाते हैं ना, दे पुट देयर हार्ट इनटू इट, मतलब जब भी मैं उनकी कोई मूवी देखता हूँ ना, चाहे वो कोई भी मूवी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्वल की मूवी स्पेसिफिकली, बट जब भी वो एक मूवी बनाते हैं ना, दे पुट एवरीथिंग इनटू इट, और जब उनकी मूवी हम देखते हैं बहुत मजा आता है। और अभी मैं ये कहूंगा कि जो रूसो और एंथनी रूसो ने इस मूवी को बना के बहुत ही मस्त काम किया है। बात करें एंडिंग की ना, तो एंडिंग बिल्कुल फ्लैट है, जहां पर रैन गॉसलिंग कैरेक्टर सब कुछ सही कर देता है और कहानी यहां पे खत्म हो जाती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर के अंदर द ग्रे मैन का सीक्वल या फिर प्रीक्वल या फिर कोई साइडलाइन कैरेक्टर की स्टोरी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले जो है ना, अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स डाल रहे हैं अपने नेटवर्क के ऊपर, और कहीं ना कहीं फ्यूचर के ऊपर वो उसी के ऊपर बिल्ड करने वाले हैं। तो हाँ, द ग्रे मैन इतनी मस्त है और ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आने वाली है कि डेफिनेटली का सीक्वल तो बनेगा, चाहे पोस्ट क्रेडिट सीन दिया हो चाहे ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ये था मेरा लॉन्ग रिव्यू द ग्रे मैन का, मैं बहुत वेट कर रहा था इस मूवी का। एक मूवी और आने वाली है नोप करके,
जॉर्डन पील की, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। और ये मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से, बट हाँ होती तो बहुत मजा आता। लेकिन सच में ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन का, मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो लेट इसलिए है क्योंकि मैं चाहता था एक ऐसा रिव्यू डालना जब मैं पूरी मूवी देख लूं, तो इसलिए वीडियो लेट आई है, बट हाँ वीडियो आई जरूर है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन का, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय।